हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। करवा चौथ व्रत 2022 चौकी कब हटाएं, पारण कब करें, करवे का क्या करें, पूजन सामग्री का क्या करें। करवा चौथ का व्रत प्रत्येक सुहागन महिला के लिए बहुत ही खास होता है। महिलाएं इस व्रत को पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को निर्जल रखने की परंपरा है। मान्यता है कि जितना की इस व्रत में इसकी पूजा विधि, पूजन सामग्री और व्रत कथा का महत्व है, उतना ही अधिक महत्व व्रत के पारण का भी है। मान्यता है कि व्रत का पारण या करवा चौथ विसर्जन विधि अनुसार किया जाए तो महिलाओं को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज हम आपको साल 2022 करवा चौथ व्रत का पारण कब करें, चौकी कब हटाएं, करवे का क्या करें और पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्री का क्या करें, इस बारे में बताएंगे। पूजा की चौकी कब हटाएं। करवा चौथ व्रत के दिन करवा माता की पूजा के बाद विसर्जन की विधि की जाती है। मान्यता है कि चौकी हटाने से पहले और पूजा के बाद उन देवी देवताओं को विदाई दे देनी चाहिए जिसका आपने कलश में आवाहन किया था। लेकिन ध्यान रखें कि विदाई से पहले करवा माता व माँ गौरी से सुहाग लेना चाहिए। चौकी पर रखी अन्य प्रतिमाओं को पूजा स्थल पर रखें और दोनों करवों को वहां से हटा लें। इस तरह पूजा की विधि पूरी करने के बाद चौकी को हटाना चाहिए। करवे का क्या करें। करवा चौथ के व्रत में दो करवे लिए जाते हैं जिसमें से एक में जल भरा जाता है और दूसरे में मेवा मिष्ठान भरे जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा माता की पूजा के बाद जल से भरा करवा चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए निकालकर अलग रख लें और जिसमें आपने मेवा मिष्ठान भरा है उस करवे को आपको अपनी सास या ननद को दान के रूप में देना चाहिए। ध्यान रखें कि व्रत का पारण दान देने के बाद ही किया जाता है। व्रत का पारण कब करें। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत का पारण व्रत पूरा होने के बाद ही किया जाता है। साल 2022 में 13 अक्टूबर करवा चौथ व्रत का पारण चांद को अर्घ देने के बाद ही किया जाएगा। करवा चौथ व्रत सूर्योदय के बाद से शुरू होकर चंद्रोदय तक रखा जाता है। चांद देखने के बाद ही पति के हाथों से जल ग्रहण कर या कुछ मीठा खाकर ही व्रत खोलना चाहिए। पूजन सामग्री का क्या करें। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ व्रत की पूजा पूरी होने के बाद विधि पूर्वक व्रत का पारण कर बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और सम्मान पूर्वक पूजन सामग्री जैसे फूल पत्ती, रोली, अक्षत, मौली, सरई या सीख आदि पूजन सामग्री को जल में विसर्जित कर देना चाहिए या किसी भी हरे भरे पेड़ पौधों के नीचे इसका विसर्जन करना चाहिए। ध्यान रखें कि इन सामग्री को ऐसे स्थान पर ना रखें जहां किसी का पैर पड़े। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।